अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। कादिर भाई क्यों बैठे ऐसा चुपचाप? अरे यार वो क्या है ना कि काफ़ी सारे न्यू कस्टमर जुड़े हैं हमसे और काफ़ी सारे नए व्यूवर जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं हमारे प्रोडक्ट को लेकर कि कौन सा प्रोडक्ट किसको देना है, कब देना है, कैसे खिलाना है, क्या बेनिफिट है, क्यों खिलाना है और कब से खिलाना है, प्लस कैसे मंगाना है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं यासिर भाई, और इतने सारे क्वेश्चंस होने की वजह से मैसेजेस का रिप्लाई जल्दी नहीं जा पा रहा है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। आपको पता ही है फार्म पे फिलहाल बरसात का टाइम है, तो इस वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, तो नए कस्टमर्स की कन्फ्यूज़न दूर नहीं हो पा रही थी। तो मैंने ये प्लान किया था कि एक बार एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें कि हम सारी ही हमारी कन्फ्यूज़न का सोल्यूशन दे देंगे आप लोगों को, कैसे खिलाना है, कब खिलाने का है, क्या रिजल्ट है, क्या डाइट रखनी है, सब चीज़ इंशाल्लाह इस व्लॉग में आपको मिल जाएगी। आप लोगों से इतना सा मेरा काम करना है, जितने लोग मेरे से मोहब्बत रखते हैं भाई लोग, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना सभी जगह पर जहाँ भी लोग बकरों का शौक़ करते हैं, ताकि सबकी कन्फ्यूज़न एक ही बार में दूर हो जाए और थोड़ा सा मेरे भी दिमाग में चीज़ें चलती रहे और कन्फ्यूज़न किसी को ना रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई लोग हम अपने सबसे पहले प्रोडक्ट की, जो कि है डोई मिल्क बूस्टर। ठीक है, ये किसको खिलाना है, कब खिलाना है, क्या फ़ायदे होंगे सब कुछ बताऊंगा, प्लस कितनी डोज होती है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, इसका नाम है साबिर जी कैटल फीड, हमारी कंपनी का नाम है डोई मिल्क बूस्टर। दोस्तों ये प्रोडक्ट हमको रात को खिलाना होता है बकरियों को 20 ग्राम। ये रात को इसलिए खिलाना होता है क्योंकि पूरा दिन में बकरियों की हम जितनी भी फीड खिलाते हैं उसके बाद ये खिलाने के बाद कोई फीड नहीं खिलानी है। 20 ग्राम रात को ये दे सकते हैं। अब आप लोग पूछोगे कि इसका देने का तरीका कैसा है, तो देने के तरीके भाईजान देने के तरीके ऐसे हैं, जैसे आपकी बकरी इसको खाने में खुश हो, आपको कंफर्टेबल हो, ऐसे आप खिला सकते हो। लाइक आप इसको सूखा भी खिला सकते हो, पानी में डाल के भी दे सकते हो, प्लस आप इसको फीड में भी डाल के दे सकते हो। इसके रिजल्ट इतने ज़्यादा क्यूक हैं, इतने ज़्यादा फास्ट रिजल्ट है इसके, कि आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर आपकी बकरियों में हेल्थ अच्छी कर देगा। हेल्थ अच्छी होने के साथ साथ बकरियों का दूध इंप्रूव हो जाएगा। इसके साथ साथ बकरियों को एक मसला आता है कि बकरियाँ टाइम पर हीट पर नहीं आती, तो इससे आपकी बकरियाँ टाइम पर हीट पर भी आएगी। अब आप लोगों का सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये रहेगा कि भाई मेरी बकरी 2 महीने की प्रेग्नेंट है, 4 महीने की प्रेग्नेंट है, तो क्या मैं ये खिला सकता हूँ? बिल्कुल खिला सकते हो भाई लोग, ये 100% प्रेगनेंसी सेफ है। आप इसको कभी भी अपनी बकरियों को खिला सकते हो, बिफोर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, ये दोनों ही सूरत में काम करता है। तो ये तो मैंने आपको जो फ़ायदे बताए हैं ये आफ्टर डिलीवरी के फ़ायदे हैं कि बकरी का दूध अच्छा बनेगा, हेल्थ अच्छी बनेगी। लेकिन जब बकरी तैयारी पे होती है उस टाइम इसका क्या फ़ायदा होगा? तो ये सबसे ज़्यादा आपके बकरी के जो पेट के अंदर बच्चे होंगे उसको बहुत अच्छी चीज़ें खाने को मिल जाएगी। इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ हैं दोस्तों, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी पेट के अंदर। बकरी को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो जब बच्चा देगी तो उसको कमजोरी फील नहीं होगी। बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है बकरी, आप लोगों ने देखा होगा बच्चे देने के बाद, तो वो दिक्कत नहीं आएगी। बकरियों के अंदर खून की कमी नहीं होगी, जब बकरियों के अंदर खून की कमी नहीं होगी तो इंशाल्लाह उनके अंदर दूध की भी कमी नहीं होगी। ये ऑर्डर क्वालिटी को बढ़ाती है, बकरियों का जो थनों का साइज होता है उनको गेन करती है। इसके साथ साथ ये दूध की फैट क्वालिटी भी बढ़ाती है, यानी कि दूध का जो क्वालिटी होता है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये दूध की क्वालिटी भी बढ़ाएगी, जिससे कि आपकी बकरी के बच्चे इसको पीकर बहुत हेल्दी रहेंगे। तो ये बकरियों की मैं ये बोल सकता हूँ ओवरऑल प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है डोई मिल्क बूस्टर। इसको देने के बाद आपको कैल्शियम नहीं देने का है, मिनरल मिक्सचर नहीं देने का है, बहुत सारी चीज़ें जो चलती है जो कि आपको नहीं देने की है। सिर्फ इसको खिलाओ और बकरी को नॉर्मल चारे पर रखो, इंशाल्लाह ताला आपकी बकरियाँ बच्चे अच्छे देगी, दूध अच्छा देगी, टाइम पर हीट पर भी आएगी और टाइम पर जो भी बकरियों के काम रहते हैं सब कुछ होंगे, ताकि आपका नुकसान ना हो। क्योंकि जब तक बकरियों के नीचे दूध नहीं होगा आपकी बकरी के बच्चे बड़े नहीं होंगे। तो जिस बकरी को नीचे दूध की कमी हो, हेल्थ का इश्यू हो, खाना पीना कम खाती हो, लगता ना हो, या फिर कोई मसला हो, बकरी को मिसगैरेज हुआ हो, कमजोरी आ रही हो, पेट में कीड़े हो, सब ही सूरतों में डोई मिल्क बूस्टर चलता है। और इंशाल्लाह ताला अपन ने इसके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट लिए हैं और अभी अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में ये बहुत अच्छा चल भी रहा है, हर तरफ से इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आप लोग बेफिक्र होकर इसको मंगा सकते हो, इसकी भी प्राइस 1000 रुपये की पड़ती है, तो जिस किसी भाई को चाहिए रहेगा मिल जाएगा। ठीक है आसिफ भाई जी, और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा अपना? वो डाइट मास्टर है कि डाइट मास्टर के बारे में बाद में बात करेंगे। अब आता है किड डाइट मास्टर, क्योंकि बकरियों के बच्चों के बकरियों के बारे में तो अपन ने बता दिया, अब आती है अदंत बच्चों के बारे में। होता क्या है ना यासिर भाई, बहुत सारे लोग शौक करते हैं अदंत बच्चों का, तो कोई 2 महीने का बच्चा परचेस कर रहा है, कोई 3 महीने का बच्चा परचेस करके ले आता है, और इंडिया में ऐसे लोग सबसे ज़्यादा हैं। अगर बकरों की खरीदी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे ही बिकते हैं अदंत बच्चे, और उसका रीज़न भाई बहुत खुला सा रीज़न है। एक तो ये बहुत प्यारे दिखते हैं छोटे छोटे, सबसे मेन रीज़न। सेकंड, ये बजट फ्रेंडली होते हैं, 3000 से लेकर 8-10 हज़ार के छोटे बच्चे मिल जाते हैं मंडियों में, तो लोग बाग शौक करने के लिए बजट भी देखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है।
तो इस वजह से लोग उठा लाते हैं, लेकिन वो क्या होता है ना कि दूध भी पीते हैं, खिलाते भी अच्छा है, मगर ग्रोथ नहीं करते। उसका रीज़न ये होता है कि उनका टाइम से पहले दूध हट जाता है। दूध जब बकरे का हट जाता है तो उसको इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल पाती जो उसकी ग्रोथ में इनफ हो। तो ये जो किड डाइट मास्टर है, ये मेल एंड फीमेल दोनों ही अदंत बच्चों को आप दो, आपको आपके अदंत बच्चों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इजाफा मिलेगा। सबसे पहला उनकी हड्डियाँ मजबूत होगी, उनका रूमन बहुत अच्छा काम करेगा, पेट मजबूत बनेगा, दाने डाइजेस्ट करेंगे, हाइट वाइट अच्छी निकालेंगे। ये पहला इंडिया का ऐसा प्रोडक्ट है जो हाइट में भी मदद करता है बच्चों की, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अदंत बच्चों के ही काम करता है। तो जिन बकरों को पेट लटक गया हो छोटे बच्चों का, या खाया पिया ना लग रहा हो, या ग्रोथ नहीं हो रही हो, रुखे रुखे से बच्चे होते हैं, बकरी हो या बकरा हो, आप ये खिलाओ, इंशाल्लाह इसके बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आपके बच्चों की डबल की स्पीड में आपकी ग्रोथ होगी इंशाल्लाह, क्योंकि हम लोग इसको यूज़ भी करते हैं हमारे फार्म पर भी, और भी इंडिया में ये अच्छे लेवल पे जा रहा है। हर तरफ इसके माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। सबसे मेन चीज़ है कि बच्चा बहुत अच्छा खाने लग जाता है, ग्रोथ फास्ट होती है, और जो शौकीन लोग हैं उनको देख के बड़ा सुकून मिलता है कि उनका जानवर हेल्दी हो गया। तो ये किड डाइट मास्टर देने का तरीका है दोस्तों, 10 ग्राम सुबह में एंड 10 ग्राम शाम में, ये दो टाइम देना होता है। जैसे भी आपका मन हो, सूखा खिलाना हो, फीड में डाल के देना हो, या जैसे भी आप चाहते हो आप दे सकते हो। इसके बाद अगर आपको कोस्ट कटिंग करनी हो तो आप लिवर टॉनिक रोक देना, मिनरल मिक्सचर रोक देना, ये सब चीज़ों की दिक्कत नहीं लेना, ये सब चीज़ें ऑलरेडी इसमें ऐड है, तो आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप ये देना एंड इसके साथ आप एक मल्टीविटामिन लगा लेना, ताकि जानवर की जब हड्डियाँ मजबूत हो तो उसकी खून की कैपेसिटी भी बढ़े, खून भी बढ़े उसका, और उन हड्डियों में खून, नसों में खून का जो फ्लो है वो बढ़ता रहे, और जानवर आपका शाइनिंग में भी आता रहे। तो न्यूरोकाइंड के साथ इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, तो आप न्यूरोकाइंड भी यूज़ करना इसके साथ, इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। एंड इसके बाद आता है सबसे मेन जो हमारा प्रोडक्ट है, साबिर जी कैटल फीड का डाइट मास्टर। भाई लोग, मैं इसके बारे में मेरे पुराने लोगों से आप पूछना चाहोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि ये किस हद तक अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस है। मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई कैटल फीड में कोई प्रोडक्ट जिसके 100% रिजल्ट है, 1-2% कहीं पे जैसे जानवर बीमार हो गया हो या कुछ भी हो गया हो तो मैं नहीं कहता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने इसको खिलाया है उनको मालूम है कि इतने बेहतरीन रिजल्ट शायद ही किसी प्रोडक्ट के होंगे। मैं किसी के भी प्रोडक्ट की बुराई नहीं करता भाई, सबके अपने अपने मसले हैं, जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने के बारे में मैं बात करता हूँ कि अभी तक हमें एक भी हमारे यहाँ पे रिव्यू नहीं मिला है कि आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आ रहा है। देखिए, बरसात में भी माशाल्लाह बच्चे अच्छा खा रहे हैं। इसका मेन रिजल्ट होता है डाइट पर, ये और कोई लॉजिक नहीं है। मैं आपको कह दूं कि इसके अंदर कोई ऐसा वेट गेनर है जिसको डालते ही बकरा डबल गेन करता है, नहीं। इसके अंदर सिर्फ ये चीज़ें ऐड है कि जो आप खिला रहे हो वो आपके बकरे को लगे, यानी कि आपके बकरे का रूमन बहुत अच्छा काम करे, मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जिससे कि उनकी भूख बढ़ जाती है। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने से जानवर पचाता बहुत जल्दी है, प्लस जो पचाता है वो लग भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सपोज़ आपने आधा 1 किलो चना खिलाया, वो बकरे को लगा ही नहीं, बकरे ने मिंगनों में निकाल दिया, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। लेकिन इसको खिलाने से आपका बकरा खाएगा बहुत अच्छा, पेटी बहुत अच्छी बना लेता है, और आपके बकरे को बीमारियां भी नहीं लगती, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है, और आयुर्वेदिक चीज़ें खिलाने से जानवरों की इम्यूनिटी बढ़ती है जैसे इंसानों की बढ़ती है। तो डाइट मास्टर का भी तरीका सेम ही है दोस्तों। आप अगर बल्क में जानवर पालते हो तो आप इसको 10-10 ग्राम सुबह शाम यूज़ करें, कोई भी साइज के बकरों को आप इसकी स्टार्टिंग से ही एक डोज बनाकर चले, उसी डोज पर रखें, इंशाल्लाह ताला आपको उसी हिसाब से रिजल्ट मिलेंगे। अभी क्या है कि हमने पूरे साल के जो रिव्यू लिए थे तो कुछ लोगों को, फार्म वालों को ये भारी पड़ता था कि यार भाई 40 ग्राम दिन का भारी पड़ रहा है, तो हमने हमारी चीज़ें कुछ इसमें बूस्ट कर दी है, चीज़ें बढ़ा दी है, कंपोजिशन थोड़े से ऐड कर दिए हैं, ताकि आपको 10-10 ग्राम में सेम रिजल्ट आए। तो अब आप इसको ईजिली 100 किलो के बकरे को भी 10-10 ग्राम ही दो, इंशाल्लाह आपको सेम रिजल्ट मिलेगा जो आपको 20-20 ग्राम पर मिलता था। दोस्तों, 10-10 ग्राम सुबह शाम डाइट मास्टर देने का है, इंशाल्लाह ताला आपके फार्म पर आपका पलाई का सेटअप हो, आपके घर के खुद के बकरे हो या आपका फार्म हो, इंशाल्लाह ताला आपकी जितनी भी डाइट ये खिलाते हो आप कुछ भी खिलाते हो, इंशाल्लाह वो वसूल होगी, वो लगेगी। और देखो, आज की तारीख में हो क्या रहा है कि लोग अच्छे से अच्छी दाने खिला रहे हैं, अच्छे से अच्छी सब चीज़ें खिला रहे हैं, या तो बकरा खा ही नहीं रहा और खा रहा है तो उसको लग नहीं रहा, जिससे कि बकरे की जो बकरा पालता है उसका हौसला टूटता है। ये प्रोडक्ट आप लोगों के लिए ऐसा है कि आपके बकरे खाएंगे भी बहुत अच्छा, प्लस उसको हजम भी करेंगे। मैं ये मानता हूँ दोस्तों कि हमारे फार्म पर अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे बकरे हैं, हम लोग सभी बकरों को ही डाइट मास्टर चलाते हैं, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह बकरे की भूख ना लगने की कभी शिकायत ही नहीं आई है। कभी कभार बकरा बीमारियों में आ जाता है जिसको एंटीबायोटिक वगैरह ज़्यादा लगा दिए जाते हैं, ताकि जिससे जानवर का लीवर बिल्कुल डैमेज हो जाता है। हमने बहुत सारे बकरे हमारे डाइट मास्टर से रिकवरी कराए हैं, हम डाइट मास्टर उसको डालते हैं, 10 दिन में जानवर बीमार था ये भी पता नहीं लगता, अल्हम्दुलिल्लाह इतने बेहतरीन इसके रिजल्ट हैं।
ये आपकी कोस्ट कटिंग के लिए लिवर टॉनिक आपको बंद कर देना है, इसके साथ आपको लिवर टॉनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको फीड में डाल कर दें, इंशाल्लाह ताला आपकी कोस्ट कटिंग भी होगी, इससे लिवर टॉनिक का भी खर्चा बच जाएगा, मिनरल मिक्सचर का भी खर्चा बच जाएगा। आप सिर्फ कैटल फीड में हमारे डाइट मास्टर दें और आपके इंशाल्लाह बकरोबर रिजल्ट देंगे। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूँ भाई लोग, मैं सिर्फ इतनी बात बोलता हूँ आपको कि आप सिर्फ और सिर्फ एक महीना इसको यूज़ कर लो, आपको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। और बेफिक्र होकर आप लोग कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन मेरा ओपन है कि क्या हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं। जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर फीडबैक है, हमारे भाई लोग हैं जो कंपनी में हैं वो बात करते हैं कस्टमरों से, कॉल करके उनसे रेफरेंस लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई कैसा रिजल्ट आपको आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सबको रिजल्ट बहुत बेहतर आ रहा है। कुछ कुछ लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। दिक्कत ये होती है कि भाई उनके बकरों को कोई मसला हो जाता है, लाइक जैसे बीमारियों का मौसम है या फिर देखो लाइव स्टॉक है तो बीमारियां चलती रहती है जानवर में, तो उसकी वजह से जानवर थोड़ा ऑफ फीड हो जाता है या कई सारे लोग अच्छा खाना नहीं खिलाते बकरों को इस वजह से। तो ये तीनों प्रोडक्ट की जो डिटेल मैंने आपको दे दी, अब डिटेल देनी है बकरों को खिलाना क्या है। सबसे मेन चीज़ आपको डाइट सुन के बड़ी हैरानी होगी कि ये साबिर जी कैटल फीड पे हम लोग क्या डाइट रखते हैं और हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। देखिए मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, जो जो चीज़ें मैं बोलूँगा उसको गौर से सुनिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे फार्म की डाइट है जो मैं चलाता हूँ, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको खिलाना है नहीं खिलाना है वो आपके ऊपर बात है। मैं सिर्फ आपको लॉजिक के साथ चीज़ें बताऊँगा और जो रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं मैं वो बताऊँगा। हो सकता है कि मैं गलत हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बकरे इसका जवाब देते हैं एंड में। इस साल भी इंशाल्लाह आपको हमारे बकरे ही जवाब देंगे, अभी तक भी बकरों ने ही जवाब दिया है कि हम लोग गलत डाइट खिलाते हैं कि अच्छी डाइट खिलाते हैं। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आपको एक पूरा कंसेप्ट बता देता हूं दोस्तों मैं कि बकरों की डाइट कैसे लेकर चलते हैं हम और हमारा प्रोडक्ट इसमें हमारी क्या हेल्प करता है। देखिए होता क्या है कि जिन बकरों का अपने को वेट गेन चाहिए, वेट गेन का मतलब है कि जहाँ से नॉर्मल एक बॉडी बिल्डर है या फिर कोई भी एक इंसान है जिसको गेनिंग करनी है तो वो कार्ब्स ज़्यादा लेता है, प्रोटीन लेता है, फालतू की चीज़ें नहीं खाता जिनमें कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं ज़्यादा इंग्लिश बातें नहीं करूँगा, खुली खुली और ओपन ओपन और हिंदी में बात करूँगा ताकि आपको समझ में आए। आप बकरों को भूसा नहीं खिलाओगे, कोई सा भी भूसा आपको नहीं खिलाने का है। भूसा अगर खिलाओगे भी तो सर्दियों में गवार का नीरा आता है वो खिला सकते हो पेट में गर्मी के लिए, इसके अलावा कोई भी भूसा नहीं देना है क्योंकि भूसे के अंदर कुछ भी नहीं होता है। तो आप अपनी कोस्ट वहाँ से बचाओ, बकरों को मोस्टली हरे चारे पर रखो या फिर हरी पत्ती पर रखो सुबह शाम सिर्फ, और बकरे को दाना नहीं लग रहा उसका रीज़न ये है कि आप भूसा खिला रहे हो, बकरा जुगाली पे नहीं आता भूसे में और जिससे कि दाना जू का तू निकल जाता है बाहर। तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम होती है लोगों को जो उनकी डाइट नहीं बन पाती। मैं ये डाइट स्टार्ट करता हूँ ए से बी सी डी ई एफ जी, ऐसे करके डाइट चलाते हैं, महीनों महीनों में डाइटें बदलते हैं, ऐसा नहीं करते कि आज ही के दिन चारों डाइटें चला देते हैं। मेरी नज़र में चार दाने हैं जो सबसे मेन चलते हैं बकरों में, सबसे पहला है मक्का, चना, गेहूं एंड जौ। मेरी नज़र में सबसे बेस्ट दाना है गेहूं। गेहूं आप 12 महीने खिला सकते हो, बाकी दाने आप 12 महीने नहीं खिला सकते, ये मेरी अपनी समझ है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बकरों को गेहूं खिलाता हूँ, गेहूं 12 महीने। जिस आदमी ने अपने बकरों को गेहूं हजम कराना सिखा दिया, जिसके बकरों के लीवर इतने मजबूत हो गए कि उसके बकरे गेहूं खा रहे हैं, उसके बकरे कभी वेट गेनिंग में पीछे हटेंगे ही नहीं क्योंकि दाना बहुत लगता है गेहूं का, ये बात याद रखना। तो हम लोग अभी क्या डाइट दे रहे हैं, सुबह को हरी पत्ती में मिक्स कर रहे हैं गेहूं एंड शाम को भी हरी पत्ती में मिक्स कर रहे हैं गेहूं। हमारे यहाँ कुछ बकरे पिछले साल के कस्टमरों ने पलटी कराए हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो बकरे बहुत हैवी डाइट पे थे तो उनको एकदम से जीरो डाइट पे नहीं हम ला सकते, तो उनको हम चने की फाड़ दे रहे हैं, बस इतना सा लॉजिक है। आपके अगर जानवर नए हैं तो अभी आप उसको सिर्फ गेहूं हजम करना सिखा दो, और हजम करने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके बकरे को 100 रुपए की डाइट है, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपका जानवर 100 रुपए का खाता है तो आप उसको 80 रुपए का खिलाओगे, हल्की सी जगह छोड़ के चलोगे बकरे के अंदर, हल्की सी जगह छोड़कर चलोगे बरसात के मौसम में बकरे के अंदर, यानी कि आपको 100 में से सिर्फ 80% जानवर को देना है ताकि उसका रूमन फास्ट काम करे, लीवर उसका फास्ट काम करे। जुगाली पे वो ज़्यादा है, जुगाली पे आप जो दे रहे हो वो दे रहे हो चना, गेहूं, मक्का, जौ एक साथ, तो जानवर क्या है कि जुगाली नहीं करता क्योंकि मौसम खराब है, बकरों को मक्खियाँ परेशान करती है, तो जानवर के जो लीवर पे आप लोग इतने हैवी हैवी दाने डाल रहे हो जिससे कि जानवर का लीवर स्लो हो जाता है। तो सबसे बेस्ट है कि आप सिर्फ गेहूं दो, हरा चारा दो। हरा चारा या हरी पत्ती क्या काम करती है, मेनली जुगाली पे काम करती है। जब जानवर जुगाली करता है ना, समझ लो आपके जानवर को हजम हो रहा है, और हजम हो रहा है तो समझ लो कि आपका बकरा ग्रोथ हो रहा है बस। तो हम लोग हमारे बकरों को हजम कराने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, खिलाने पे कम करते हैं। तो आज की तारीख में हम लोग हमारे बकरों को दे रहे हैं गेहूं एंड हरी पत्ती।
ठीक है, न्यूरोकाइंड का सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि मल्टी विटामिन है, मल्टी मिनरल्स की कमी ना हो, ब्लड की कमी ना हो बकरे के अंदर, क्योंकि आने वाले टाइम पे सर्दियां हैं। हम आज की तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर्दियों में बकरों को हैवी डाइट हम लोग डालेंगे, तो उस हैवी डाइट से पहले हम लोग गेहूं को बकरे को करा रहे हैं। जो बकरा गेहूं हजम कर लेगा वो सारे दाने हजम कर लेगा, याद रखना। गेहूं के बाद हम लोग ऐड करेंगे मक्का अगले से अगले महीने, उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे घोड़ा जीरा चना, तो ये सारी चीज़ों को फिर हम गेहूं को कर देंगे भिगाकर। आज हम गेहूं सूखा खिला रहे हैं फिर भिगाकर कर देंगे। 7-8 महीने की ये साइकिल होती है, इसमें हम हर 2 महीने में दाने बदलते हैं, और जब हम दाने बदलते हैं और दाने बढ़ाते हैं तो हमारे बकरों को वो लगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? तो अब आप बात को समझिएगा दोस्तों कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो लीवर पे काम कर रहा है, जानवर का लीवर बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम लोग दाने हल्के दे रहे हैं लेकिन जितने खिला रहे हैं उतने जानवर को लग रहे हैं। तो ये है एक लॉजिक, और लॉजिकली जो मैं फार्म पर कर रहा हूँ कि हम अपने बकरों को सिर्फ इतना खिलाते हैं जितना वो हजम कर ले। खिलाना इम्पोर्टेंट नहीं है, हजम कराना सबसे बड़ा गेम है। कोई भी बड़ा से बड़ा, जितने भी बड़ा गेमर हो, जितने भी बड़ा उस्ताद हो, जितने भी बड़ी बात हो, अगर आपका जानवर हजम नहीं कर सकता, आप उसको 2 किलो नहीं 3 किलो भी खिला लो, ग्रोथ नहीं करेगा। सबसे पहला जो अपने बकरों को करने का है उसका लीवर मजबूत करने का है। इसी वजह से लोगों को बताया जाता है, डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि सबसे पहले डिवॉर्मिंग करो, उसके बाद लीवर टॉनिक दो, ताकि बकरे के वॉर्म्स वगैरह नहीं रहेंगे, कीड़े नहीं रहेंगे पेट में, तो ही बकरा हजम करेगा दाने वगैरह। तो वो बहुत लॉजिकली बातें हैं दोस्तों। सेम यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉस्ट बचाओ। बकरे को बहुत सारा खिलाकर आपको नुकसान है, थोड़ा खिलाओ लेकिन वो खिलाओ जो उसको एक्चुअली लगता हो। इससे क्या है कि बकरे का पेट नहीं भरा रहेगा, जब जानवर का पेट नहीं भरता है तो बीमारियां नहीं आती है। इंसान हो जानवर हो कोई भी हो, जो ज़्यादा पेट भरता है उसी को बीमारियां आती है। तो अपने को वो खिलाने का है जो सुबह खिलाया, शाम खिलाया, रात को ख़त्म, यानी कि शाम तक बकरे ने खा लिया, रात को जुगाड़ लिया, सुबह बकरा खाली खड़ा है, बकरा अल्हम्दुलिल्लाह वापस से उसी स्पीड से आज भी खा रहा है। इस चीज़ पर फोकस करना, इंशाल्लाह ताला आपका शौक कभी ख़राब नहीं होगा। आप आज की तारीख में गलती क्या कर रहे हो कि आप 70 तरह के दाने खिला रहे हो, बहुत सारी तरह के भूसे खिला रहे हो, थोड़े बहुत पत्ते दे रहे हो, तो जानवर का लीवर को टाइम ही नहीं मिल रहा है, रेस्ट ही नहीं मिल रहा है। जब तक आप जानवर के रेस्ट नहीं दोगे पेट को, तब तक आपका जानवर जुगाली नहीं करेगा, और जब जुगाली नहीं करेगा तो बकरा हजम नहीं करेगा, और जब हजम नहीं करेगा तो फिर बकरा बनेगा नहीं। तो इन सारी ही सूरतों में आप लोग हल्की डाइट दो और उस पर डाइट मास्टर दो, ठीक है। ये हल्की डाइट काम तभी करेगी जब ये डाइट मास्टर इस पर चल रहा होगा, क्योंकि इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट है बकरे के पेट को लेकर। तो बस इतनी सी बात थी, डाइट आपको बता दी, प्रोडक्ट के रिजल्ट आपको बता दिए। जिन भाइयों को अपने पे ट्रस्ट हो, जिनको यूज़ करना हो, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, जो अपने मोहब्बत करने वाले हैं और जो एक्स्ट्रा मोहब्बत करने वाले, एक्स्ट्रा मोहब्बत से आप लोग समझ जाओगे, जो 2-3 लोग हैं मोहब्बत ज़्यादा करते हैं, टांग खिंचाई जिनको करते हैं, उनसे सिर्फ इतनी सी बात है कि भाई नफरत को छोड़कर एक बार सिर्फ ट्राई करके देखना, 1 या 2 महीने ये बरसात के मौसम में हल्की डाइट, आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी काम की बात है। और ये सबसे ज़्यादा काम की बात उन लोगों के लिए है जो लोग बल्क में जानवर पालते हैं। 1 या 2 जानवर को आप बादाम भी खिलाओगे तो आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन जहाँ पर 50-60 जानवर या 10-15 जानवर हो जाते हैं, या जिनको बेचने के लिए बकरे पालने होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अपनी कॉस्टिंग बचाओ, हरी पत्ती, गेहूँ एंड डाइट मास्टर, न्यूरोकाइंड का सिरप। इसके बाद जब महीने बढ़ेंगे, सर्दी आएगी तो मक्का ऐड कर देना, उसके बाद जब गर्मी आएगी तो भिगे हुए चने ऐड कर देना, बस इतना सा गेम है। और डाइट मास्टर कभी रोकना मत, अल्लाह ने चाहा तो आपके भी बकरे सेम ऐसे बकरे बनेंगे जैसे साबरी गोट फार्म पर बकरे बनकर जाते हैं। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं, मैं अपने जो दाने भी खरीद कर लाता हूं वो दिखाता हूं। चने की फाड़ में इसलिए खिला रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर दूं, क्योंकि कुछ बकरे मेरे कस्टमरों ने खरीद कर रिपीट करा दिए थे नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो बकरे पिछले साल यानी कि कुर्बानी के टाइम पर चना वगैरह भी खाए हुए थे। तो जो बकरे को चने वगैरह की बहुत हैवी फीड लग जाती है, उसके बाद उसको एकदम जीरो पे लाना सही नहीं लगता है, क्योंकि कस्टमर को एक यार कादिर भाई बहुत कमज़ोर हो गया है बकरा, तो उनका वेट मेंटेन करने के लिए हम लोग उनको चने की फाड़ डाल रहे हैं। जो जानवर मेरे यहाँ पर नए आ रहे हैं मैं उनको बहुत हल्की डाइट पर रख रहा हूँ, ताकि उनको सर्दियों में मैं जब भारी डाइट पर रखूँगा तो उनका लीवर तब तक मजबूत हो जाए। बॉडी बिल्डर भी अगर कोई होगा तो वो 12 महीने तैयारी पर नहीं रहता है, कुछ टाइम का ब्रेक लेता है, अपने ऑर्गन्स को, लीवर को टाइम देता है ताकि उसका दोबारा से अच्छे से काम करने लग जाए मेटाबॉलिज्म, और वो वापस से अपनी हैवी डाइट लगा ले। ये लॉजिकली बात है भाई लोग, आप लोग अपने जिम के एरियाज में जाकर पता कर सकते हो, जिम ट्रेनरों से पता कर सकते हो, डॉक्टरों से पता कर सकते हो, हर किसी से ये वीडियो दिखाकर पता कर सकते हो कि क्या ये वीडियो गलत है। वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि जानवर को 12 के 12 महीने हैवी डाइट पे नहीं रखना है, हल्की डाइट से हल्की 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 बढ़ानी है, ताकि आपके बकरे की कैपेसिटी उसी हिसाब से बढ़ती रहे। जैसे आप अपने जानवर को लेकर चलोगे स्टार्टिंग से,
जैसा आप अपने बकरों पर लेकर चलोगे स्टार्टिंग से, ऐसा आपको एंड तक रिजल्ट मिलेगा। होता क्या है कि बकरे सर्दियों में साथ छोड़ देते हैं या गर्मियों में चलते नहीं है, लोक हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जानवर 12 महीने अच्छा रिस्पॉन्स दे, हर महीने पहले महीने से बेहतर हो, हाइट भी साथ साथ बढ़े, स्ट्रक्चर भी साथ साथ बढ़े, बकरे का वेट भी साथ साथ बढ़े, तो उसको स्टार्टिंग से जीरो से लेकर शुरू करो और कुर्बानी तक उसको फुल तैयारी पे लगा दो। ये आप भराई पे भी यूज़ कर सकते हो फॉर्मूला, यही आप सेल्फ फीडिंग पर भी यूज़ कर सकते हो। ये बकरियों के लिए, बकरों के लिए सेम फॉर्मूला है। अदंत बच्चों को हल्की डाइट देनी है, दो दांत के बच्चों को थोड़ी एक्स्ट्रा देनी है, चार दांत, छः दांत, आठ दांत, उसके हिसाब से डाइट बढ़ानी है। एज का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। एक बहुत छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ कि आप मेरी एक अगर एज 24 साल है, तो अगर कोई 10 साल के बच्चे को मेरी जैसी डाइट दोगे तो वो मेरे जितना साइज में नहीं आएगा। मेरी साइज पाने के लिए उसको 20-22 साल का तो कम से कम होना पड़ेगा, तभी वो आएगा। यही सेम चीज़ होती है बकरों में दोस्तों। आप 5-6 महीने के बच्चे को चार दांत के बकरे से कंपेयर नहीं कर सकते हो, ना तो उनकी डाइट सेम है ना ही उनकी एज सेम है। अगर आप चार दांत के बकरे की डाइट 6 महीने के बच्चे को देंगे तो आपके आपके बकरे की ग्रोथ रुक जाएगी, पेटी वेटी छोड़ देगा, हाइट वाइट नहीं लेगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। होप आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई हो। कमेंट जरूर करना सारी चीज़ों में, जो चीज़ नहीं समझ में आई हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको इस बारे में मैं बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।